लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। देश में आईएसआई का बढ़ता जाल, रक्षा मंत्रालय का हेड क्लर्क जासूसी के आरोप में निलंबित। बॉस, हमारे एक एजेंट ने खबर दी है कि राजा को डिफेंस मिनिस्टर का पर्सनल कमांडो बनाने का फैसला किया गया है। हर वक्त तुम्हें मंत्री जी के साथ रहने की जरूरत है ताकि उनकी जिंदगी और ग्रे फाइल की हिफाजत हो सके। ये अब्दुल है बॉस, अंडरवर्ल्ड का कोई भी काम इसके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ठीक है। अब्दुल। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम राजा बनकर वो ग्रे फाइल हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इंशाल्लाह हुजूर अनवर, अब्दुल ने आज तक जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरी तरह अंजाम दिया है। इस घड़ी में एक वायरलेस सेट लगा हुआ है जो मेरी घड़ी के साथ कनेक्टेड है। तुम जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अरे क्या हो गया भाई, ये भीड़ कैसी? डाकू ने भाग लिया। बाबा बाबुल, कमाल करे अब्दुल। हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठीक हूं, लेकिन बैंक से लूटे रुपए जो हैं वो यहां गाड़ी में रखे हैं, उनको अपने कब्जे में ले लो। आई एम ओके कमिश्नर साहब, और वैसे भी जब तक मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर लेता मरने नहीं वाला। रहीम, पीछा करो, भाग ले ना पाए। यस बॉस। बॉस, अब्दुल को अलर्ट कर दीजिए। अरे ये क्या, अभी तुम्हें ठीक हुई नहीं है मगर फाइलों से सर मारना शुरू कर दिया है। मासी। बस हो गया मासी, मासी न रहेगा बास और न बजेगी बासी। मासी तुम तो एकदम पिस्सा ही खत्म किए दे रही हो। मैंने तुमसे वादा किया था ना, ये मेरा आखिरी मिशन है, आखिरी केस है, इसके बाद में मैं कोई भी केस हाथ में नहीं लूंगा, कसम कसम से। कसम से कसम। अच्छा मासी, बहुत जोर से भूख लगी है, एक ग्लास जरा लस्सी पिला दो तो मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज मासी, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज जरा जल्दी बाजू में रख दे। ओके।
हेलो हेलो चार्ली स्पीकिंग, चार्ली स्पीकिंग। चार्ली एक बुरी खबर है। राजा हमारी कैद से भाग गया है, रहीम उसके पीछे गया है। तुम्हें जहां भी मिले उसे गोली मार देना, बाकी मैं देख लूंगा। यस बॉस। मुझे लगता है उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। गुड, उससे छुटकारा पाते ही मुझे खबर करना, और उसके बाद जल्द से जल्द वो ग्रे फाइल हासिल करने के मिशन में जुट जाना। ओवर एंड आउट। ओके बॉस, मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं राजा को खत्म करके अपने भागने के सारे रास्ते बंद कर दूं। ये ले। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच मौसी। थैंक यू? मौसी से कब से थैंक यू की बातें कर रहा है तू? हाँ, कब से करने लगा है तू? मौसी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मौसी के साथ मजाक भी करने लगा है अब? कान खींच कर खरगोश की तरह लंबे कर दूंगी ना, फिर याद आ जाएगी नानी तेरी। तो फिर रेंचो का क्या होगा मौसी? वही होगा जो तुम्हारा हो रहा है। या खुदा, लो भैया तुम्हें पी लो। और क्या, सॉरी बॉस, राजा का कोई पता नहीं चला। ऐसे ऐसे कितने दिन चल पाएगा हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन? हम एक कैदी को अपने कब्जे में नहीं रख सके। तुमने कह दिया ना अब्दुल से कि उसे देखते ही गोली मार दे। हमें इस मिशन को पूरा करना ही है, हर हालत में, हर कीमत पर, चाहे हमें जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े। आओ रंजू, चलो अंदर चलते हैं। रेंचो, ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ, कमाल है, अंदर से लॉक। कौन हो सकता है? चाबी तो सिर्फ दादी के पास है या मौसी के पास है। Yes. कौन है बेटे? मौसी, मौसी, मौसी आप कब आई? इसके सर्दी मम्मी के घर में सुनकर नहीं आई, लेकिन तुम कौन हो? मैं आपका राजा हूं मौसी। मौसी असली राजा मैं हूं, यह तो कोई बहरूपिया है जिसकी शक्ल मेरी जैसी है। ठीक है मौसी, अगर यह राजा है तो इसको यह बताना होगा कि मेरा असली नाम क्या है। हाँ, बता क्या असली नाम राजा का? बेवकूफ, मुझसे मेरा ही नाम पूछ रहा है। आनंद, आनंद है मेरा असली नाम, समझे? मौसी, मौसी आपको याद है ना बचपन में एक बार मैं आम के पेड़ से गिर गया था और मेरी बाह में चोट लग गई थी, याद है ना मौसी? हाँ, देख पड़ा था तू। वो निशान अभी भी है मेरी बाह में, ये देखिए ना। हाँ, निशान तो मैंने राजा के हाथ पे थे। हाँ, और तू भी देख बाहर रुकी है, अब दिखा दिखा तेरी बाह में निशान है या नहीं। क्यों,
ये तो घबरा रहा है मौसी, दिखाना। देखो मौसी। अरे इसके आंख पे भी निशान है। ये देख। क्या अब तो हो गया ना यकीन? मगर मौसी। हाँ? मौसी से क्या बात कर रहा है तू? मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। और सुन, तूने मुझसे तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तूने उसका जवाब दे दिया ना तो हम सब मान लेंगे कि असली राजा तू है। बोल। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। रेंचो तो राजा का सबसे पुराना साथी है, ये बात ठीक है ना? हाँ। अब मुझे ये बता कि रेंचो राजा को मिला कहां से? उसके बड़े भाई से, यानी कि मेरे बड़े भाई से। तेरे बड़े भाई ने? हाँ, तेरे बड़े भाई ने, मेरे बड़े भाई ने। अच्छा ठीक है, अब ये बता कि मेरे बड़े भाई को रेंचो मिला कहां से? वो कमाल है, ये सब तो मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। बोलना। हाँ हाँ बोल, अगर तू राजा है तो ये बात तुझे जरूर मालूम होनी चाहिए। हाँ और क्या, अब बोलना। क्यों हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? बस उड़ गए प्राण पखेरू? मैं बताता हूं बच्चे, सुन अब गौर से। रेंचो बड़े भैया को मिला था सेठ घनश्याम दास से, क्योंकि भैया ने सेठ घनश्याम दास का एक केस सॉल्व किया था और सेठ घनश्याम दास को रेंचो मिला था जंगल से। और मौसी, भैया के कत्ल के बाद रेंचो मेरा साथी हो गया। और बच्चों, ये कोई नाटक कंपनी नहीं है जहां मेकअप वेकअप करके राजा रानी बनाया जा सके, समझे? खबरदार। देखा मौसी, बातों से हार गया कमबख्त तो लड़ाई पर उतर आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मिस्टर राजा? आइए आइए मिस्टर पाटिल, सही वक्त पर आ गए आप। ये कोई बहरूपिया है जो अपने आप को असली राजा बता रहा है। इंस्पेक्टर पाटिल, असली राजा मैं। बहरूपिया ये खड़ा है आपके सामने। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मिस्टर नकली राजा। हा? मैंने खुद उन्हें गुंडों से लड़ते हुए देखा था और जख्मी हालत में पाया था, और मैं खुद उन्हें अस्पताल लेके गया था। क्या बात कर रहे हो पाटिल, उस वक्त मैं इसके गुंडों की कैद में था, वहीं से मैं भी भाग कर आ रहा हूं। ये देखो तो सही मेरी हालत। अच्छी कहानी है, तुम इनकी कैद से तो भाग कर आए लेकिन मेरी कैद से नहीं भाग पाओगे। एक मिनट पाटिल, पाटिल ध्यान से सुनो, तुम गलती कर रहे हो, पछताओगे। देखो असली राजा मैं हूं, मैं हूं असली राजा, मैं। जस्ट शट अप। थाने चलो तो मैं दिखाता हूं तुम कहां के राजा हो। कम ऑन मूव। जी सर, राजा ने बड़ी बहादुरी से लुटेरों का सामना किया और लूट का सारा माल बरामद कर लिया। ये तो अच्छा है, पर सुना है कि राजा की तबीयत बहुत खराब है। नहीं सर, अब बिल्कुल ठीक है, कल से ड्यूटी जान कर रहा है। वेरी गुड, उसे मेरी शुभकामनाएं देना। जय हिंद। जय हिंद सर। हेलो, पुलिस कमिश्नर हियर। व्हाट, दूधे राजा, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, ऐसे नहीं बताएगा ये। ए, बनिया! तो नाटक करता है, हाँ?
नाम क्या है बोल। और अगर तूने अभी अपना असली नाम नहीं बताया मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। क्या क्या मामला बाटे? उसने नाम बताया नहीं? नहीं सर, अभी तक अपने आप को राजा ही कह रहा है। शक्ल तो बिल्कुल राजा की तरह है, अभी पता चल जाएगा। मिस्टर पटेल, मिस्टर साहब ने सेक्रेटरी को लेकर आओ। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? असली नाम बताना, तुम राजा नहीं हो, ये तुम अच्छी खासियां। मैं राजा नहीं। बता दो। तुम राजा हो ही नहीं सकते। मैं ही राजा हूं। मैं